हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने ऑटोकैड के मेन इंटरफेस के बारे में। उसमें जितने मजीद एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये फीचर्स किस लिए यूज होते हैं एंड इन फीचर्स का मतलब क्या है। एंड इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे मेन इंटरफेस के ऊपर कौन कौन से मॉडल्स हैं, लेआउट्स हैं एंड जितना भी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि कल से हम कमांड सीखना स्टार्ट करेंगे एंड कमांड्स को सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि कमांड से ज़्यादा बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कुछ टूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उन टूल्स को हमें किस तरह यूज करना है हर कमांड के बाद। ये जो टूल्स हैं ये मोस्टली यूज होते हैं, ये कौन से टूल्स हैं, इनको हमने कैसे यूज करना है, इनकी वर्किंग किस तरह की जाती है, पर्पस क्या है एंड जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर कमांड्स एंड देन हम अपने कोर्स को कंटिन्यूसली आगे स्टार्ट करते जाएंगे। सो बेसिक्स यहीं तक होंगी, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सो वेलकम टू द लर्निंग अलॉट्स विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त एके सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली बार तबाह हो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को जैसा टच कर दो ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं ऑटो केड को ओपन करने लगा एंड एक न्यू फाइल ले लेते हैं। हमारा मेन इंटरफेस हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेन्यू बार क्या होता है, उसके ऑप्शंस क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होते हैं और ये किस पर्पस के लिए हम आगे आने वाली क्लासेस में इनको यूज करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस मेन इंटरफेस के ऊपर लेट्स सपोज ये कुछ फीचर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये किस लिए हमने यूज करने हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ फीचर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इनको हमें किस तरह यूज करना होगा। राइट साइड पर हमारे सामने कुछ फीचर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिनको मॉडिफाइड टूल्स भी कहा जाता है, इनको हमने किस तरह यूज करना है। एंड देन हमारे पास बॉटम के ऊपर जितने भी कमांड्स हैं या हमारे पास फीचर्स दिए गए हैं इनका मतलब क्या है और हमने इनको किस तरह यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड को डिस्कस करते हैं। हमारे सामने ये जो सारे टूल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेसिकली ये टूल्स हमारे ड्रॉइंग को डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। ये देखिए आपके पास ये लाइन कमांड है, लाइन कमांड की मदद से आप लाइन क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद आपके सामने पॉली लाइंस हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, पॉलीगॉन्स हो गए, ये जितने भी टूल्स हैं इनकी मदद से हम अपने डिजाइन को क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको ये टूल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे तो आप आएंगे यहाँ पर ड्रॉ में और सारे टूल्स आपको यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो जाएंगे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम राइट साइड पर, यहाँ पर हमारे पास मॉडिफाइड टूल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन टूल्स को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ऊपर मॉडिफाई का ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर क्लिक करके भी जितने भी टूल्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पर भी आपको कई टूल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं टॉप इंटरफेस के बारे में। टॉप इंटरफेस के ऊपर आपको ये जितने भी फीचर रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास बाय लेयर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास हम किसी भी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एल एंटर किया, हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी आपको ये जो लाइन है व्हाइट कलर की रिप्रेजेंट हो रही है, हमने यहाँ पर इसको ऑफ किया हुआ था। एंड अब अगर आप यहाँ पर देखें मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो हमारे पास का कलर चेंज हो जाएगा, ये अब रेड हो चुका है। तो इस तरह किसी भी डिजाइन की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है आपने, उसके अंदर कोई भी व्यू देखना है तो आप टॉप वाले फीचर्स को यूज करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास बॉटम के ऊपर, आपको ये जो टाइप ऑफ कमांड का एक बॉक्स रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कमांड टाइप करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑटोकैड को प्रोवाइड करते हैं या आप कोई भी ऑटोकैड के ऊपर काम करते हैं देन टाइप ऑफ कमांड के अंदर वो टाइप होता जाएगा कि आपने इस स्टेप में ये काम किया, देन फर्दर स्टेप में आपने ये काम किया एंड उसका रिकॉर्ड भी रखता जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ कमांड के अंदर कोई भी कमांड टाइप करें। लेट्स सपोज मैं करता हूँ लाइन, हमने लाइन टाइप किया, एंटर किया। अब हमारा जो कर्सर है आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें। पहले हमारे पास कर्सर हमारा इस तरह का था जिसके साथ कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा था, वो सिंपल हमारे पास आइकन रिप्रेजेंट हो रहा था। जैसे ही आपने टाइप कमांड के अंदर कोई भी कमांड को टाइप किया देन एंटर प्रेस किया, अब आपका जो कर्सर है उसके साथ वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड देन वो कहेगा स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास इस तरह एक हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है टाइप ऑफ
कमांड के अंदर आप कोई भी काम करते हैं तो वो यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप टूल्स में से कोई फीचर नहीं लेना चाहते या मॉडिफाइड टूल्स में से कोई भी फीचर नहीं लेना चाहते तब आप यहाँ पर जस्ट टाइप करेंगे, वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा एंड फर्दर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए आपके सामने ये जो आइकन रिप्रेजेंट हो रहा है टाइपर कमांड के सामने कमांड हिस्ट्री, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अभी तक आपने किस स्टेप के बाद कौन सा काम किया एंड उस स्टेप के बाद आपने कौन सा काम किया आपकी पूरी एक हिस्ट्री इसने रिकॉर्ड कर ली है। तो अभी हमने क्या किया, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया था, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट बताया था तो हमारी एक लाइन के रीड हो गई थी। अगर मैं आपको अगेन दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास ये लाइन के बारे में बता रहा है कि ये अभी आपने लाइन के रीड की थी। देन इसके अलावा ऊपर भी आपको जितने इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट हो रही हैं या कमांड हिस्ट्री रिप्रेजेंट हो रही है ये बेसिकली इससे पहले हमने जो वर्किंग की थी वो रिप्रेजेंट हो रही है। अब बात करते हैं हमारे पास लेफ्ट बॉटम के ऊपर आपके सामने ये एक यूसीएस का आइकन रिप्रेजेंट हो रहा है। यूसीएस का मतलब है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है या फिर एक्स वाई जी प्लेन भी हो सकता है। सो अभी के लिए आपको यहाँ पर एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आप टॉप लेफ्ट के ऊपर देखें तो आपको टॉप व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है एंड देन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हमारे पास जितने भी व्यूज हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जितने भी व्यूज हैं वो सारे हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये जो एक बॉक्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है इसकी टोटल कितनी साइज है, इसकी टोटल साइज है 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये वाली 6, मतलब टोटल कितनी साइड हो गई 6 साइड है। अब कहने का मतलब यह है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइड कितना होंगी, 6 साइड होंगी। तो ये वही चीज है जिसके अंदर उसने 6 साइड बताई है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये 6 साइड हो गई। अब उसको उसने अलग से कुछ नाम दिए हैं जिसके अंदर टॉप बॉटम को उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है टॉप एंड इसकी बैक साइड पर बॉटम होगा, देन लेफ्ट में वेस्ट आ जाएगा एंड अगर आप बात करें राइट की तो हमारे पास राइट में ईस्ट आ जाएगा। सिमिलरली फ्रंट पर हमारे सामने नॉर्थ है एंड बैक पर हमारे सामने साउथ है। व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज नॉर्थ एंड वेस्ट इसके दरमियान का जो साइड है उसको देखना चाहता हूँ, मैंने जस्ट क्लिक किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी आपको ये किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, 3D व्यू में रिप्रेजेंट हो रहा है। सो जस्ट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों एक ही चीज़ है, डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा। बट क्योंकि अभी हमने जो मेन फोकस करना है वो 2D पर करना है, इस वजह से हम इसको मजीद डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करने वाले। जस्ट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी हमने जो वर्किंग करनी है वो 2 एक्सिस पर करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जब हम 3D डिजाइन पर जाएंगे तब हम देखेंगे कि इसके साथ जो हमारा जेड एक्सिस है उसको हमें किस तरह यूज करना है, देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने जस्ट इसको एक्स वाई प्लेन पर ही फोकस करना है एंड हम इसके ऊपर फोकस करके अपनी सारी कमांड्स के ऊपर ब्रीफ हासिल करेंगे, देन फर्दर हम चलेंगे 3D के ऊपर और तब मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। अभी आप अपनी बेसिक्स को अच्छा बनाएं, उस पर ब्रीफ हासिल करें। सो अब बात करते हैं हमारे वो 4 इंपॉर्टेंट टूल्स जो मोस्टली हमारी ऑटो कैड के अंदर यूज होते हैं। ऑटो कैड के अंदर कोई भी डिजाइन आप क्रिएट करते हैं ये टूल्स मस्ट यूज होंगे, हर इंस्ट्रक्शन के बाद या थोड़ी देर के बाद आपको इनका यूज करना पड़ जाता है। इनमें कौन से टूल्स हैं आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने टॉप के ऊपर ये जो 4 टूल्स आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये बेसिकली 4 टूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर स्टेप के बाद हर 2, 3, 4 स्टेप्स के बाद आप इनको यूज लाजमी करते हैं, आने वाले क्लासेस में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले टूल को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पेन रियल टाइम, दूसरे टूल का नाम है जूम रियल टाइम, तीसरे टूल का नाम है जूम विंडो और चौथे टूल का नाम है जूम प्रीवियस। पहले टूल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देखें आपके कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो चुका है हैंड के अंदर। ये जो हैंड रिप्रेजेंट हो रहा है इसकी मदद से आप अपने पूरे ड्राइंग एरिया को किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो हम इसको किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। सेकेंड आज है हमारे पास जो दूसरा टूल है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा जो आइकन है कुछ जूम का रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी मदद से अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे इसको डाउनवर्ड की तरफ तो आपका जो ड्राइंग एरिया होगा वो जूम आउट होता जाएगा एंड अगर आप इसको अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको एस्केप करके कमांड को एंड कर रहा हूँ।
अगला जो टूल है इसको सिलेक्ट करने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि एक छोटी सी लाइन को कैरिएट कर लेते हैं। तो मैंने एल एंटर किया, एक लाइन यहाँ से मैंने यहाँ पर कैरिएट कर ली। अभी हमारे पास एक लाइन प्रेजेंट हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारी लाइन्स क्या हैं, बहुत ही बड़ी है और हमारा मेन फोकस है, हम जस्ट इस लाइन को देखना चाहते हैं, बाकी किसी एरिया को नहीं देखना चाहते। तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया को आप अपने पूरे ड्राइंग एरिया के ऊपर या मेन इंटरफेस के ऊपर जो आपको एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है उस पर देखना चाहते हैं, देन आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उस एरिया को आकर सिलेक्ट करना है। लेट्स गो, यहाँ से लेकर इस एरिया को मैं अपने पूरे ऑटोकैड के मेन इंटरफेस के ड्राइंग एरिया पर देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें जस्ट यही एरिया मेरे पूरे ऑटोकैड के मेन इंटरफेस के ड्राइंग एरिया के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, बाकी सारा बाहर चला गया है इस एरिया से। तो इसको भी आप इस तरह यूज कर सकते हैं। देन आपके पास अगला जो टूल है वो है प्रीवियस का। अभी आपने जूम किया, जूम करने से पहले इसकी जो हालत थी, मतलब जो इसकी कंडीशन थी, जिस तरह हमें ये रिप्रेजेंट हो रहा था, ये उसी हालत में वापस चला जाएगा। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे पहले वाली हालत में हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब एक तरह से आप समझ लें कि ये अंडू का काम करता है, जैसे आप कंट्रोल जी करते हैं ये अंडू हो जाता है। तो ये चार टूल्स आपको मस्ट पता होना चाहिए। इसके बाद एक शॉर्टकट की मैं आपको बताता चलूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपको उसको भी याद कर लेना है, जेड एंटर ए एंटर। अब जैसे ही आपने ऐसे किया तो अब आपका जो भी ड्राइंग होगी वो आपके ऑटोकैड के मेन इंटरफेस के ओवरऑल ड्राइंग एरिया के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगी। सो आज के इस टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि चार टूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग के अंदर, जो कॉन्टिन्यूसली यूज होते रहते हैं, हर कमांड के बाद, हर दूसरी कमांड के बाद या थोड़ी देर के बाद, ये मस्ट यूज होते हैं और मोस्टली यूज होते हैं। सो इनको आपने माइंड में रखना है। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर कुछ टूल्स थे, राइट साइड पर मॉडिफाइड टूल्स थे, टॉप साइड पर हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने डिजाइंस को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। एंड अगर बॉटम पर आ जाए तो आपके सामने कुछ कमांड्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, उसकी हिस्ट्री रिप्रेजेंट हो रही है। एंड ये सारा कुछ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। कल से हम कमांड्स पर फोकस करेंगे एंड एक एक कमांड को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनको हमें किस तरह यूज करना है, यूटिलाइज करना है। एंड इनकी मदद से जब हम सारे कमांड्स पर फोकस कर लेंगे, ग्रिप हासिल कर लेंगे, अपने डिजाइन्स को कैरिएट करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको लास्ट में अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर दो ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में।